से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव सपा कार्यालय से पैदल मार्च के लिए निकले। वो बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के शोषण का मुद्दा पर सपा नेता सड़क पर उतरे थे। विधानसभा तक पहुंचने से पहले पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां सपा के विधायक और कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस के मुताबिक सपा नेताओं ने तय रूट को फॉलो नहीं किया था। अखिलेश अपने आवास के पास ही सड़क पर बैठ गए। यही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। करीब डेढ़ घंटे चल रहे धरने के बाद अखिलेश अपने कार्यालय के लिए लौट गए। अब यहां आगे के प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जा रही है। जिस वक्त सपा नेता सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा में मानसून सत्र की कार्रवाई चल रही थी। यहां कोरोना काल में मरने वाले विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। लखीमपुर खीरी की गोला सीट से विधायक अरविंद गिरी के राजनीतिक करियर पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद बोले कि इसके बाद मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया। सदन से बाहर आने के बाद अखिलेश के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने कहा कि किसी भी दल को या किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर अखिलेश ने नियम अनुसार पुलिस से परमिशन मांगी होगी तो उन्हें जरूर मिलेगी। सपा से उम्मीद करना कि वो किसी नियम या शिष्टाचार को मानेंगे, ये एक कपोल कल्पना ही है। जी हाँ, आपको बता दें, अखिलेश ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि यूपी में योगी सरकार को दोबारा मौका मिला है, मगर सड़क पर हर तरफ गड्ढे हैं। बाढ़ जलभराव से किसान परेशान हैं। कुछ हिस्सों में तो सूखा पड़ा है। किसानों को राहत नहीं दी गई। बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं। लंबी बारिश की वजह से हजारों गाय की मौत हो चुकी, मगर सरकार नहीं सुन रही। महंगाई देखिए कितनी ज़्यादा हो गई। दूध दही पर GST लगा दी गई है। खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और प्राइवेटाइजेशन करना कोई विकल्प नहीं होता। कोई ऐसा विभाग नहीं जो सरकार बेच नहीं रही हो। सपा के पैदल मार्च पर योगी कैबिनेट के स्वतंत्र प्रभार और वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि अखिलेश के पास कोई मुद्दा नहीं है। लंबे समय से वो पैदल नहीं चले, उन्हें पैदल चलना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। विधानसभा के अंदर उनके सवाल होंगे तो उनके जवाब दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।